साबुद्दीन जी की पत्नी कौन सा बीज है? सर सिवान की बात कर रहे हैं या मैं भाई कांग्रेस के लीडर कन्हैया कौन सा बीज? अशफाक करीम कौन सा बीज? देवेंद्र यादव कौन सा बीज? राजवल्लभ यादव कौन सा बीज? वो बताएंगे ना कौन सा बी टीम है, और ममता दीदी बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बंगाल, सीपीएम बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की केरला में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है, और जब आप यहाँ फ्रेंडली फाइट्स लड़े थे तो कौन बी टीम थे, और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम बी टीम नजर नहीं आए, तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया, और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, या एमपी का चुनाव नहीं हो इतिहास लिखेगा। हर रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, सुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल एनआईसीयू, आईसीयू और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में सबनम होटल के पास बिप्रयासी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। राजनीति का इतिहास महाभारत पप्पू यादव से पूर्णिया की जनता को क्या जीतती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, बिल्कुल मजबूत हो, सिवान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सिवान छोड़ के इंडिया गठबंधन को सभी जगह मजबूत करेंगे, सिवान जाएंगे तो बोल रहे अब सुनते कम है, चलिए सर ये तो गहरी बात करते हैं। सर जिस तरह का वक्तव्य आया है ऐसी कुलत सिर्फ पप्पू यादव के साथ नहीं है, क्या इस पर? देखिए मैं एक बात बोल, मैं उन राजाओं से आग्रह करूंगा शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंक, क्योंकि हर लोगों का घर शीशा का ही, एक पत्थर से सारे घर चूर हो जाए। जो बात लगातार उसके द्वारा ये लोग ये जानना चाहते कि इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है, और अभी भी वक्त है कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर रहे। सर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है प्रजनन को लेकर काफी बयानबाजी जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, स्तरहीन बयानबाजी हो रही है भैया, अब स्तरहीन ही बात सभी पार्टी के लोग दल के लोग, विकास की बात इस सीमांचल में विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं, बिहार को विशेष राज मिलेगा कि नहीं, हाई डैम बनेंगे कि नहीं, एयरपोर्ट होंगे कि नहीं, सर्तियां आएंगे कि नहीं, पलायन रुकेंगे कि नहीं, अब ये बात कहाँ होती, अब तो सिर्फ नफरत की एक दूसरे को गाली गलौज की निकता छोनी होती है, एक दूसरे के व्यक्तिगत पर हमले होते हैं, पर हमले किए जाते हैं, तो मेरा मानना साफ है कि हर कीमत पे 42 MLA अब लेके बैठ रहे हैं, 9 MLC जदयू के 21 MLA, अब खुद मुख्यमंत्री जी रोड शो कर चुके, तो सबका काबा मक्का यहीं क्यों बन गया, 20 साल से ये लोग गायब कहाँ थे, और हम चुनाव नहीं लड़ते तो फिर ये लोग कहाँ नजर आते, आज जो आप पूर्णिया की जनता अब पैर पकड़ दे इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े लोगों को पैर पकड़ के और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, देश एक ही है, दोनों
विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको मिला के बोल रहे हैं पूर्णिया में डीए को भर देंगे, तो अच्छी बात है। आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ, आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भित्र। आप बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और अभिषेक बनर्जी और जो अपने को बड़े राजा कहते हैं उन पर इतने इतने बड़े जमीन और सब कुछ के आरोप लगे, आज तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? वो जो बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो सब वाइव जेड प्लस मिला हुआ तो आपके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, आपको भी सबको मिला हुआ। वो बोलते हैं बोले कि हमको जीत जाएगा, आपके पिताजी तो बोले थे ना लास्ट पे झारखंड बटेगा, छोट हो छेद जो हो वो दूसरों को बोले, हम सम्मान करते, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आएगी तो हम उनके साथ खड़े हों, दोनों बहन को जिताने की बात आएगी खड़े हों, तो आप हराने आए, जिताने किसको आए और आप जीतते क्यों नहीं है? मधेपुरा में दो बार हार गए आप, पाटलिपुत्रा में तीनों बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं, तो आप किसको जिताने हैं? तेजस्वी जी ने सर स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने लगातार पप्पू जी का साथ दिया, लेकिन पप्पू जी खंजर भोंकने का काम किए। चार बार निर्दलीय हम रहे, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब हमने विपक्ष का नेता बनाने में बड़े बेटे की भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री बनाने में तब भी नहीं हुए, 91 में जन्म लिए हम, 90 में मुख्यमंत्री, 11 में एमएलए से बनाए, तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाई, जब भी संकट आया तब भी हम बड़े बेटे की भूमिका निभाई, आज भी हम परिवार के तरह हैं और किसी भी कीमत पर परिवार के। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।